गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास सेवन, क्लास सेवन मैंने आपको हींग वाला पढ़ाया। हींग वाले में जिसमें आपका सावित्री और खान का के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। अब आज आप देखेंगे दशहरा। दशहरा क्यों, कब, कैसे मनाया जाता है। दशहरा का पर्व हिंदुओं का पर्व प्रमुख त्योहार है। दशहरा का उत्सव क्वार मास के शुक्ल पक्ष में के प्रतिपदा से और दशमी तक मनाया जाता है। कहा जाता है, कहावत है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का गमन करने वनवास गए थे तो उस समय रावण का वध करके और वो अयोध्या वापस आए थे। और अयोध्या रावण का वध किया था और अयोध्या रावण का वध किया और असत्य पर सत्य का विजय किया, इसलिए ये दशहरे का पर्व मनाया जाता है। 10 दिन भगवान राम के जन्म से लेकर उनके वन गमन तक, अयोध्या वापस आने तक का लीला समाज में, लोगों में जगह जगह रामलीला होती है और भगवान की लीला का वर्णन लोग करते हैं और दर्शाते भी हैं। दशहरा, दशहरा के दिन रावण का पुतला बनाया जाता है, राम लक्ष्मण को बनाया जाता है, तीर धनुष के साथ रावण का वध करते हैं, फिर उसके बाद मंदोदरी विलाप होता है, फिर शाम को रात में स्टेज पर रामलीला मैदान में लोग इसको भी दर्शाते हैं। दोनों तरफ से घोर संग्राम होता है, लड़ाई होता है, रावण मारा जाता है, राम की विजय होती है, यही सब दिखाया जाता है। और शाम और अब इसी दशहरे में प्रतिपदा से दुर्गा पूजा भी शुरू हो जाता है। कहते हैं कि भगवान राम 9 रात्र में 9 दिन घोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा का शक्ति प्राप्त करके रावण को का वध किए थे। रावण बहुत बड़ा प्रतापी और ज्ञानी राजा था, उसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन शंकर भगवान का वरदान भी था, उसके नाभ में अमृत भी था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। रावण अभिमानी हो गया था, घमंडी हो गया था, घमंड के कारण वो मारा गया और उसका वध हुआ। समझ में आया, यही दशहरा का पर्व है। फिर है आपका सावित्री के बच्ची। सावित्री की बच्ची की उम्र कितने वर्ष की थी? सावित्री के बच्ची की उम्र 8 वर्ष की थी, क्योंकि सावित्री ने जब हींग वाले को पैसा दिया तो बच्ची ने ही कहा था कि भैया इनसे पैसा ना मांगो, इनका बेटा तो खान है, वे हमें पैसा नहीं देंगी। सावित्री ने जब कहा कि हींग वाला खान ने तो मुझे हींग दिया, तब मैंने पैसा दिया, तुम क्या दोगे? बच्ची ने कहा मिट्टी दूंगी। सावित्री लड़की की बात पर सावित्री हंस पड़ी और वह बच्चों को पैसा सबको उतना उतना दी। अब देखिए सावित्री के बच्ची की उम्र कितने वर्ष की थी? सावित्री के बच्ची की उम्र 8 वर्ष की थी। दशहरे का पर्व जूने उत्साह के साथ मनाने की क्यों तैयारी थी? दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। पिछली होली पर हिंदू और मुसलमानों में दंगा हो गया था, जिसके कारण कोई भी पर्व उत्साहपूर्वक नहीं मनाया जा सका था, इसलिए इस वर्ष दशहरे का पर्व धूमे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी थी और शाम को 4 बजे मां